आवाज आ रही है मेरी? आसान है, फिर भी मैं क्वेश्चन के जरिए चाहता हूँ कि आप हमारा वही क्वेश्चन के जरिए भी आपको बताना है। फ्यूचर का फॉर्म है और सीखा है फिर भी समझा दूंगा। फ्यूचर का फॉर्म है R extensive, सबसे पहले हम आसान extensive ये आपके पास है, density एक बात है, capacity molar capacity एक बात है molarity। हो सकता है एक्सेस ज्यादा भी आंसर हो, आप सोच समझ के करिए। मैं इसी से डिफिनेशन वगैरह समझा दे रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स में आवेदना नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़ाई है। रेडमी ने बोला ए एन डी, ठीक है रेडमी, रेडमी आपका नाम क्या है? रेडमी प्लीज नाम बताएं। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग आंसर सही है, आंसर बी और डी नहीं है। चलिए हम आपको सिखाते हैं इसी से नीचे आपके लिए क्वेश्चन और सुनिए अच्छे से। आपको मालूम है एक्सटेंसिव का मतलब मास डिपेंडेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे मास डिपेंडेंट, और इंटेंसिव का मतलब मास इंडिपेंडेंट। लेकिन मैंने इसकी दूसरी डिफिनेशन भी आपको बताई थी, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, तो आप इस लाइन को अच्छे से याद रखिए। द प्रॉपर्टी which remains same, जिनको नहीं आता वो जरूर ये वाली डिफिनेशन, which remains same on division का सिस्टम into smaller parts called extensive। याद रखिए एक को जो पार्ट
कोई भी ऐसा सिस्टम डिवाइड करने पर वो पार्टी चेंज। अच्छा आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज नहीं आ रही है भाई, क्यों नहीं आ रही? आ रही आवाज? एक दफा बोलिए तहान तहान। अच्छा और मंडे से और मैं और अच्छे अंदाज में क्लास करूंगा और अच्छा मैं और अच्छा सिस्टम करूंगा, इसमें मेरी मेरी भी तस्वीर आएगी और अच्छे से। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है ना? कभी कभी हो जाता है। जब नीट कलर बताइए, आप बताइए आवाज आ रही है? अरे यार आप क्या प्रॉब्लम होगी भाई, बिल्कुल मस्त आवाज आ रही है। स्टूडेंट पूछ रहा है बिल्कुल मस्त आ रही है। चलिए हो सकता है आपकी तरफ से नेट प्रॉब्लम हो। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि द प्रॉपर्टी विच रिमेन सेम ऑन डिवीजन द सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये सब ट्रिक्स याद रखिए। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये रॉड है, आप इसको खच खच काट दीजिए, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी मास डिपेंडेंट नहीं है। एक तो याद रखिए आपको मास इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, दूसरी अच्छा सॉरी इंटेंसिव, इंटेंसिव की दोनों डिफिनेशन याद रखिए। किसी भी सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स में बांटने पर अगर वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो वो एक्सटेंसिव होगा, रिमेन सेम रहे तो इंटेंसिव होगा। जैसे मोलारिटी, मान लीजिए कि ये मोलारिटी है, आपने एक गिलास शरबत में इसको हाफ पार्ट में बांट दिया, मोलारिटी सेम ही रहेगी। जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ है या आधा करने पर भी वही रहेगा। तो इंटेंसिटी, दूसरा ट्रिक्स याद रखिएगा, मैं सारा पॉइंट लिखा देता हूँ फिर उसके बाद। एक तो ये है, बहुत सारे फॉर्मूले में लगेगा कि ये एक्सटेंसिव है लेकिन हो जाएगा इंटेंसिव फॉर्मूले से। तो आपको कंसेप्ट को ध्यान देना है, किसी भी सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करने पर अगर वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो वो इंटेंसिव है, अदरवाइज एक्सटेंसिव होगा। दूसरा याद रखिएगा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव, ऑलवेज इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशियो सेम रहेगा। कुछ सोचिए अगर इस रॉड को हम आधा कर दिया तो मास भी आधा होगा, वॉल्यूम भी आधा होगा, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखिए दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव। दूसरी बात प्रॉपर्टी से हो सकता है आपको पूछ दे व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। दूसरा बहुत अच्छे से याद रखिए, एक्सटेंसिव है एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको ऐड किया जा सकता है। जैसे वॉल्यूम 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 ml, लेकिन आपको याद है आप अच्छे से जानते हैं 1 कैपिटल Na प्लस 1 कैपिटल MCl माइनस, तो बताइए 1 m NaCl ही बनेगा कि नहीं, 1 1 2 नहीं हो जाएगा। याद रखिए ये सब पॉइंट, हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि एग्जांपल पूछ दे। तो एक्सटेंसिव है एडिटिव प्रॉपर्टी बट इंटेंसिव डू नॉट है एडिटिव। अब देखिए मैं
ऑब्जेक्टिव ना देकर मैं एग्जांपल दूंगा, आप उसके आगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव लिखिएगा, उससे अच्छा ये है, इससे क्या होगा ज्यादा एग्जांपल की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें, सबको समझ में आया एक दफा बताइए, सबको समझ में आया? मैं भी क्वेश्चन सर अच्छा अच्छा सब क्वेश्चन कराएंगे, आप घबराए नहीं। हाँ कल मैम अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, और मैं मंडे को आपको बता देता हूँ, मंडे को आप क्या कीजिएगा, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ के आइएगा, आज उससे पहले तक का क्वेश्चन कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, जो आप जहां पर भी पढ़ा हो आप उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ के आएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे। आज हम गिब्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी से पहले तक का क्वेश्चन कराएंगे, मंडे को ये पढ़ के आइएगा, समझा? ये मैंने आपको बता दिया कि आपको मजा आए और रिवीजन अच्छे से। थर्मोकेमिस्ट्री बाद में, थर्मोकेमिस्ट्री को टच नहीं कीजिएगा। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये ट्यूसडे को होगा। हम थर्मो को अलग पढ़ा रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री अलग। ओके क्लियर है, समझ गए? तो मंडे को क्या पढ़ के आइएगा, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी वगैरह पढ़ के आइएगा। ओके आज उससे पहले की प्रैक्टिस कराएंगे आप। अरे ओके तो बोलो यार, कोई आदमी बिहारी लो। चलो पहली बात याद रखो, हमेशा ये पॉइंट सब याद रखो, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव, याद रखो आर इंटेंसिव को पढ़िए, सब लाइन लिख लो, चाहे मोलारिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, मोलारिटी हो, परसेंटेज बाय मास हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो, समझा, पार्ट्स पर मिलियन हो, समझा कि नहीं, और क्या कहते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन हो, ये सब इंटेंसिव है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव। अब तुम लोग बताओ अच्छे से, पीएच 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 आप बताओ पीएच क्या है, इंटेंसिव के एक्सटेंसिव, अब लिख कर बताओ पीएच क्या है, इंटेंसिव के एक्सटेंसिव, ये पूरा लिख लो, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर, हाँ हाँ गुड गुड गुड। क्यों, पीएच में भी तुम देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इससे क्या होगा बस 5 मिनट में और पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, वेरी गुड। और जितनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, जैसे एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी जिस पर अभी क्वेश्चन सब करेंगे, हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी, ये जितनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब क्या है, थर्मो डायनेमिक क्वांटिटी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव। ओके मैं थोड़ा मिसलेनियस एग्जांपल सब ले रहा हूं, बताओ ईएमएफ क्या है, चलो सारे लोग बताओ ईएमएफ, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, ईएमएफ क्या है बताओ बताओ, एक्सटेंसिव के इंटेंसिव, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह वेरी गुड। ईएमएफ वरुण इंटेंसिव है, क्यों, ईएमएफ किसी भी, हम ईएमएफ किसका निकालते हैं, सेल का निकालते हैं ना, कॉपर रॉड, तो रॉड मोटा हो या पतला हो, ईएमएफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सेल साइज मास पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता, उसी तरह याद रखो,
चाहे तुम्हें इलेक्ट्रोड, ये सब मिसलेनियस एग्जांपल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो आ ही रहेगा। चलो सरफेस टेंशन के बारे में बोलो, सरफेस टेंशन, और तुम बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जल्दी जल्दी बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। सरफेस टेंशन सबसे पहले बोलो, सरफेस टेंशन इंटेंसिव, क्योंकि सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों का रेशियो ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, हाँ ये भी इंटेंसिव, क्योंकि किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का चूर चूर कर दो, चूर चूर कर दो, ब्रेक कर दो, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इंटेंसिव क्या। चलो ये वाला खत्म हो गया मामला, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। चलो दूसरा अब ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ मैं, तो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव पूरा क्लियर हो गया होगा आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन, एकदम एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, असल क्वेश्चन, धीरे धीरे हम बेसिक से हाई लेवल, हम लोग क्या क्वेश्चन का कोई थोड़ी ना ठीक होता है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम बेसिक चीज सबको पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए आप लोग कॉम्पिटिशन में, यहाँ कोई टफ और ये नहीं, एक एक चीज को पढ़ना, इक्वली ध्यान देना है, पेपर का कोई ठीक नहीं रहता क्या दे देगा, ए ए बी डेल्टा एच सी एच डी, बताओ इसमें कौन स्टेट फंक्शन है कौन नहीं है। अच्छा आंसर देखने दीजिए भाई, किसका क्या क्या आंसर है भाई, राशिद सिद्दीकी का आंसर आया, मोहम्मद अरमान का आया डी, अच्छा गैलेक्सी J5 का आंसर आया CND, राशिद सिद्दीकी का डी, अरिशा का CND, फिर राशिद सिद्दीकी का दोबारा आंसर आया CND, सलीम बतूल सबका आंसर ओके है, माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, हां वेरी गुड, CND इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आइए, ऐसा क्यों है, बस अब जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, भूल गए होंगे कोई बात नहीं, देखिए एक होता है इसी से क्यूवी पढ़ लीजिए अच्छे से, स्टेट फंक्शंस क्या होता है, अब फिर उसको पहचानने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है, जब नीट कॉर सब समझ में आ रहा है, फिर दमन जब नीट कलर जितनपुरी दमन हाँ, फिजिकल क्वांटिटी इज सेट टू बी
स्टेट फंक्शन आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। इफ इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा। वरुण जी समझिएगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, जो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा। समझ रहे ना, जैसे आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कैसे भी हुआ हो, अगर मान लिया ए है और बी है, समझा ऐसे हुआ, तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको ए और सी को देखना है। समझ बात है, स्टेट फंक्शंस का मतलब याद रखना है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे। अब आइए इसको पहचानने का तरीका, और से सुनिए इसको पहचानने का तरीका, एकदम याद रखिएगा ये फॉर्मूला, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ f is a state function, अगर f a state function है, then याद रखिए, then उसका change जो है is path independent। इस पर assertion reason करके question पूछ सकता है, path independent। मान लिया अगर enthalpy state function है, तो delta h path independent होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं delta h state function है, नहीं, h को स्टेट फंक्शन अगर होना है, उसका चेंज जो है पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो as p e u s h डिस्प्ले एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन है। वो क्या है, क्यों, तो कहिए इसका चेंज पाथ इंडिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला याद रखिए, इसलिए याद रखिए, आपको हो सकता है इसी लाइन को assertion reason में पूछ देगा। f is a state function, then delta f is path independent। सबको समझ में आया अच्छे से, जिनको आंसर नहीं दे पाए थे समझ में आया, p प्रेशर है, t टेम्परेचर है, u इंटरनल एनर्जी, s एंट्रोपी, h एंथैल्पी, t बताइए, जबनेट कलर, वरुण, जितनपुरी, दमन, शमीम, नासिर, समीर, नासिर शबानी, सलील बतूल, ऑल बतूल, ऑल फातिमा, सेहरा, सबको समझ में आया स्टेट फंक्शन कैसे पहचानेंगे। f इज अ स्टेट फंक्शन, देन डेल्टा f इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये रूल याद रखिए। p p क्यों स्टेट फंक्शन है, रीजन पूछ देगा, तो कहिएगा डेल्टा p पाथ इंडिपेंडेंट है। t क्यों स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा t पाथ इंडिपेंडेंट है। u क्यों स्टेट फंक्शन है, डेल्टा u पाथ इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना। और ये सब अभी ये सब हल्का लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन कीजिएगा, ये सब लाइन बहुत काम देगा। एक तो ये डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट ना बहुत सारे बच्चों को टफ इसलिए लगता है, ये सब चीज डायरेक्ट तो याद रहती है, लेकिन यही सब आगे वाले क्वेश्चन में देखेगा बहुत फंडा क्लियर करेगा। ये याद रखिए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। ये यहाँ पर तो आपको आसान लग रहा है, हाँ भाई गाड़ी पढ़ लिया, मेन है इसको अप्लाइड करना। ये जो स्टेट फंक्शन का प्रॉब्लम जब आएगा न्यूमेरिकल अप्रोच में, तो वहां आपको बहुत काम देगा। चलिए भाई, ये आपको हो गया। अब आइए, अब हम एक ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ये सब तो हो गया आपको, अच्छी बात है। अब हम आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन से दे रहे हैं, आप मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान से हम आज एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वार्पिटन वगैरह सबको पाएंगे। मंडे को विस्कोस एनर्जी और एंट्रोपी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स, और आप भी घर पर इसी तरह तैयारी कीजिए, एकदम इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। अभी पढ़ने का तरीका ही यही है कि आप क्वेश्चन, अगर आप थक गए हैं तो आप क्वेश्चंस को कीजिए,
प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को कीजिए, पढ़ पढ़ के अगर थक जाए तो यही बेसिक टूल है। ये तो बस हमने आपको बुला लिया है कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आइए। आप समझते हैं कि फायदा नहीं हो रहा है तो आप घर पर मेन आप देख लीजिए कि कब फायदा हो रहा है। समझा कि नहीं? ये सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि कहीं आप लोग थक गए होंगे अपने से सेल्फ स्टडी कर कर के, इसलिए। और शराब खान राशि से देखिए गैलेक्सी J5। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे आप, थ्योरी जो भूल गए हैं वो समझें। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। आप देखिए सारे लोग और से सुनिए, वर्क डन जिन्होंने, बस थोड़ा सा थ्योरी जिनको नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स वो दो तरह का होता है, और से सुनिए। जब भी वर्क डन करे, एक होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए इररिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान याद रखिए। इररिवर्सिबल क्या होता है, तो फास्ट प्रोसेस हो जिसमें चेंज जो हो तो आप चेंज करते हैं, चाहे एक्सपेंशन करें या कंप्रेशन करें, जो जिसकी वजह से चेंजेस अकर्स होते हो वो ज्यादा हो। समझा? ऐसे मान लिया ये पिस्टन है, आप यहाँ से एक बड़ा सा पलाव एक ही दफा में रख दिया तो जो चेंजेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसको हम इररिवर्सिबल कहेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। एक ग्राफ से आ गया, यहाँ पर भी कांस्टेंट, अब जब आ गया तो अब यहाँ पर भी कांस्टेंट, जितना था इसको कंप्रेस होना था हो गया। वन स्टेप प्रोसेस, इररिवर्सिबल की मैथमेटिकल पहचान है एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस changes occurs very slowly, changes occurs very slowly, और याद रखिए इसमें p external is variable। ये बहुत सारे स्टेप में होता है, बहुत सारे स्टेप में, धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप में होगा।
इस यहाँ जो बर्मिटन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल बी टू माइनस बी वन, माइनस लगाएंगे, यहाँ साइन कन्वेंशन है, यहाँ बर्मिटन आप पढ़ा फिजिक्स से उल्टा है। फिजिक्स एक्सपेंशन का मतलब होता है यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये आपका आएगा नेगेटिव। फिजिक्स में क्लियर है एक्सपेंशन पॉजिटिव, और इसलिए फिजिक्स में आप पीडीवी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में एक्सटर्नल एजेंट लेते हैं, फिजिक्स में गैस लेते हैं, पी जो है वो गैस टेम्परेचर है, यहाँ जो है पी एक्सटर्नल है, ये फर्क है फिजिक्स में। कंप्रेशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, जीतन पूरी सब देखिए, और ये होता है पॉजिटिव। और यहाँ जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू 2.303 2. nRT log V2 by V1। ये पहले कंसेप्ट सारे लोग लिख लीजिए जिनको नहीं, भूल गए हो, आता तो होगा भूल गए हो, ठीक है। ये आपका वर्क डन का कंसेप्ट है। अब आइए इसके बेसिस पर, सब लोग समझिए इसके बेसिस पर वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा क्योंकि क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 10^5, और ये कितना V2 कितना है 10^-2, समझा, ये कितना है -3। एक मिनट, क्वेश्चंस में फाइनल वॉल्यूम कितना था 10^-2, आपके पास मीटर क्यूब है, हाँ इसको सॉल्व किया है ना आपने, तो एसआई यूनिट में। यहां पर गौर से सुनना है, आप इसको कैसे कीजिएगा सॉल्व, -5 -3 कॉमन ले लीजिए, 10 -1 हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा -9 × 10^2 -900 जूल, समझा कि नहीं। ये आपका ऐसा ही बताइए, सबको समझ में आया, एक बार टाइप कीजिए, सबको समझ में आया, सच सच बताइए। अरीशा अरीशा सबको समझ में आया, अब्बास तुम बताओ, अब्बास अरीशा दमन जबनीत कलर जीतन पुरी प्लीज बताइए, वरुण जी जेरा बतूल, याद रखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, रिवर्सिबल में फॉर्मूला याद रखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
इसमें कुछ नहीं देखना सी। देखो याद रखो फ्री एक्सपेंशन, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब याद रखो इधर, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यू, इन वैक्यू वेयर पी एक्सटर्नल इज जीरो। जब पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो वर्क डन जीरो भी होगा, इसलिए याद रखो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वो जान बुझ के डाटा सब देगा, फ्री एक्सपेंशन इज जीरो इफ प्रोसेस इज आइदर प्रोसेस इज रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल। चाहे कोई प्रोसेस हो वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में जीरो होता है। कैसे पहचाना? वैक्यूम लिखा हुआ, वैक्यूम में गैस अपने आप एक्सपेंड करता है। और आपको मैंने कहा ना केमिस्ट्री में जो वर्क डन है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट लेते हैं। बताइए सबको समझ में आया अच्छे से? फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम वेयर पी एक्सटर्नल इज जीरो। ये बात याद रखो, दो इंफॉर्मेशन। ऐसे फ्री एक्सपेंशन का और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन पी एक्सटर्नल जीरो, दूसरा इंफॉर्मेशन वर्क डन जीरो, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। चलो बताओ बताओ आया समझ में? बताइए बताइए नबीला, नबीला समझ में आ रहा है कुछ? नबीला सूफिया, नासिर सबानी, नितन पुरी, जपनीत कौर, दमन, आरिशा, उमामा, वरुण, जेरा बतूल, बताइए बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल जीरो, हाँ जहां वैक्यूम लिख दे तो आप यही समझिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, ना जाने क्यों बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर का कोई ठीक नहीं रहता, कुछ भी दे सकता है। और ये सब लोग बनाइए, कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3S2 2 NH3। कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर if delta H and delta U are, चलो इसे ये लिखने की जरूरत है क्या, delta R बस, which of the, बहुत आसान है एकदम, सबसे आंसर आना चाहिए, which of the following, इस सब का आंसर आना चाहिए, which of the following expressions is true, इस सब का आना चाहिए। A option डेल्टा एच बाई टू, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, और डी ऑप्शन डेल्टा एच लेस देन, ये सब का आंसर आना चाहिए। मैं इसलिए आसान आसान भी करा रहा हूँ, अच्छा भी करा रहा हूँ। सब लोग एकदम धाए धाए आंसर दें, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
चलिए चलिए एक मिनट चलिए ठीक है। देखिए अब इंटरनल एनर्जी क्या है, सबको मालूम है कि टोटल एनर्जी कंटेंट इन अ सिस्टम, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आप गौर से सुने, जहां इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी वो हम बताएंगे, लेकिन ये याद रखना है, गौर से सुने अच्छे से। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर रिएक्शन है। पहले गौर से सुने, फॉर रिएक्शन पहले इसमें कंसेप्ट समझे, जो मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी लगातार इसी पर दूंगा। एच इज इक्वल टू एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, यू प्लस टी, इस फॉर्मूले पर पीएचडी करें। हम इसको बहुत सारे फॉर्मूले में प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स में जितना वेरिएशन लिया गया है वो आइडियल गैस के लिए लिया गया। अब बात सब सुनो, सुनो बिहारी लोग, हो गया आंसर आ गया, सुनो, जितना भी इंफॉर्मेशन है आइडियल के लिए। तो अच्छा एग्जामिनर, अब देखिए अब एनसीईआरटी ने लिखा है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन दे सकता है। अब इसको बहुत सारी चीजों में ब्रेक किया जाता है, डेल्टा एच डेल्टा यू ये डेल्टा वी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अच्छा एक मिनट, इसको जनरल कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा पी वी, ये जनरल है और ये फॉर्मूला तमाम के लिए एप्लीकेबल है, आइडियल हो, रियल हो, सॉलिड हो और किसी भी प्रोसेस के लिए। पहले याद रखिए, इससे ये आता फॉर ऑल सब्सटेंस। देखिए मैं इस पर क्वेश्चन आगे दूंगा, इन एनी प्रोसेस एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन वही एनसीईआरटी इसको प्रूफ करके ऐसे पहले लिखता, फिर प्रूफ करके शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। वो क्या क्या है, वो बात की बातें हैं। पहले आप समझिए, H is equal to U plus KV, this is the general for all substance in any process. Any process का मतलब चाहे आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो। अब आइए और जो सुनिए, अब इसी को ब्रेक कर दें। अगर हम कहें एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बताइए डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहां देखिए पी डेल्टा वी हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे, इसी से इसी को सॉल्व करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर। तो ये बेसिकली जब भी रिएक्शन हो तो आप यही इस्तेमाल करें, ये दो तो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अब आइए इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में जो दिया हुआ था बेसिकली आपको, वो उसका आंसर क्या था, कौन बात है ना, आपको दिया हुआ था N2 plus 3S, आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ था, ये आपके पास हो गया। आपके पास N2 plus 3S2 2NS3 गैस है, गैस है, गैस है। आप डेल्टा NG निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्ट, डेल्टा NG इज इक्वल टू 2 minus 4 minus 2, बस डायरेक्ट डेल्टा H less than डेल्टा U, डी ऑप्शन, यही आया सबका आंसर। अच्छा रिएक्शन यही था ना, रिएक्शन यही था ना, बी आंसर आएगा, बी नहीं, बी नहीं, गुड। आपको गैलेक्सी तुमको कंफ्यूजन करना था, एक्सप्रेशन नहीं, माइनस में आया तो डेल्टा एच लेस देन हो जाए। सर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा जीरो नहीं होता, वो अभी बताएंगे, समर घबराइए नहीं, जस्ट बताएंगे आप, समर दो मिनट क्वेश्चन के जरिए कि आपके कंसेप्ट को समझाएंगे, दो मिनट रुक जाइए, अभी बताएंगे बताएंगे।
अब आइए, अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और ये जो मैं टेबल बना रहा हूं थ्योरी, उसके बाद मैं लगातार क्वेश्चन दूंगा, और से सुनिएगा। एंथैल्पी सब आप जानते हैं, लेकिन सबका ख्याल रखते हुए इंटरनल एनर्जी यू ये एच, ठीक है, हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा आपको मालूम है एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, आप इसको सॉल्व, ये जनरल फार्मूला है। बाकी आप इसके दो चीज प्रूव किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब देखिए क्या क्या चीज याद रखनी है, और से सुनिए एकदम अच्छे से, डेल्टा एन जी आर टी फॉर रिएक्शन, दूसरी बात, असल ये है, ध्यान दीजिए असल बात क्या है कि इंटरनल एनर्जी के बारे में पहले, ये तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में जितनी एनर्जी है सबका सम है, तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हीट एक्सचेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो खुश सोचिए डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मतलब डीवी जीरो है, तो वर्क डन जीरो होगा, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू। यू के बारे में पहली इंफॉर्मेशन देखो, यू निकालने का पहला फ्लॉट से निकलेगा, और याद रखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। देख लो यहाँ डब्ल्यू जीरो, जितना हीट दोगे वो तमाम हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज में लगेगी, और यहाँ क्या बोलना है, हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, सारे लोग और से सुनो, टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा एच, ठीक। तीसरी बात और से सुनो, आप पढ़ते हैं ना, पहले यहां तक सब लोगों ने लिख लिया, जिनको लिखना है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जिनको लिखना है, एकदम डिवाइडर डाल के लिखिए कि आपको समझ में आए, हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, हाँ आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, थोड़ी सी थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप नहीं किए हैं, डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए सबका ख्याल रखना, हीट एक्सचेंज टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होता है डेल्टा एच के बराबर होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। अभी लगातार हम डेल्टा एच डेल्टा यू पर क्वेश्चंस करा करा कर आपको पूरा कांसेप्ट याद करवा देंगे, बस थोड़ा सा घबराइए नहीं। अब आइए ठीक, आप देखिए दूसरा फॉर्मूला और से सुनिए, दो मिनट और मैं वेट कर लेता हूँ, सब लोग लिख रहे हैं, नबीला सूफिया, जितन पुरी, जपनीत कलर, अलीशा, उमामा, शमीम, जहरा बतूल, सलील बतूल, नासिर शबानी, वरुण, क्या आप लोगों ने लिख लिया, आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, यहाँ देखिए, आप देखिए और से सुनिए, इसके बाद लगातार क्वेश्चन इसी पर आएगा। दूसरा गौर से सुनना है कि आपने पढ़ा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है dQ by dT।
अब ध्यान देना है, और आपने नहीं पढ़ा हीट कैपेसिटी दो तरह का, हीट कैपेसिटी आप फिजिक्स में ही पढ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और से सुनिए थोड़ा सा, सीपी और सीवी। अब ध्यान दीजिए, इधर से देखिए, जैसे सीपी लिखेंगे तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, टीएच के बराबर। क्यों? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो याद रखो, यहां से सॉल्व करोगे तो एन, ये तो वन मोल के लिए है जनरल, एन सी पी डी टी यानी एन सी पी डेल्टा टी, ये फर्क। दूसरा, डेल्टा एच निकालने का तरीका एक उसका फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड पीवी से। दूसरा इसका है सीपी, वही हाल यहां पर, वही हाल यहां पर, सीवी जैसे लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, यहां क्या जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा। तो यू के साथ सीवी का वर्ड आता, क्यों? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज। देख लीजिए अच्छे से, इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं सीपी डीटी, इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में एन सीवी डीटी लिखते हैं। बताओ सबको समझ में आया? पहले बताइए। अब हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने एक डाउट पूछा था, वो यहां से क्लियर होगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव ही देकर सपोज, चलिए वरुण जी आया समझ में? वरुण जी आया समझ में? सब लोगों ने लिख लिया? नबीला, सूफिया, रीशा, उमामा, वरुण, शमीम, जेरा, बतूल, सलील बतूल, जितनपुरी, जपनीत कलर, अरीशा, रजा अब्बास, ओनली अब्बास, सब लोगों ने लिख लिया? अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, मैं एक रिपीट करता हूं दो मिनट में। थर्मोडायनेमिक्स में सुनो, इस तरह पढ़ोगे तो अभी सारा क्वेश्चन होगा, एक मिनट में रिवीजन। डेल्टा यू निकालना हो बताओ, डेल्टा यू निकालने का तीन तरीका थर्मोडायनेमिक्स में, और जैसा क्वेश्चन उसी तरह का। नंबर वन, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, क्वेश्चन जैसा। दूसरा, फ्लॉट से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू प्लस डब्ल्यू, तीसरा एंथैल्पी की मदद से। जब तक माइंड में नहीं रहेगा कि डेल्टा यू निकालने का तीन तरीका, वन टू थ्री, क्वेश्चन जैसा उस तरह का तुम सेट करो, समझे? उसी तरह एंथैल्पी निकालने का दो तरीका है आपके पास, एक है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी, और दूसरा डेल्टा इस तरह। आप जब तक देखो, थर्मो में कोई चीज टफ नहीं है, वेरिएशन स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता है, इसलिए हर क्वेश्चन टफ लगता है, कब क्या इस्तेमाल होगा। अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो सारे। Two moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly, at 27 degrees Celsius from 10 liter to 100 लीटर, ठीक है। अब आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है। ए ऑप्शन, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव
बी डेल्टा एच नेगेटिव, सी डेल्टा एच जीरो, जी डेल्टा यू जीरो, बताइए। चलिए 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 एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जितन पूरी वरुण सब लोग आंसर दीजिए। चलिए हाँ अब गौर से सुनिए अच्छे से, सी और डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए प्लीज सारे लोग सुनिए क्यों है। ये जो हम बुक में फॉर्मूला पढ़ते हैं, सारे लोग सुनिए, एम सी पी डी टी, ठीक है, आइसोथर्मल लिखा हुआ, आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस डीटी जीरो, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो। ओके फलॉट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फलॉट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप सुने सारे लोग, अच्छा आप इधर वरुण तुम बीच बीच में पूछने क्यों लगते हो, पहले लेक्चर को सुनो फिर पूछो, लेक्चर को देखो इधर तैयारी हो। एमसीपीडीटी आइसोथर्मल प्रोसेस डीटी जीरो डेल्टा एच जीरो, लेकिन याद रखो दी ओनली फॉर आइडिया, दिस रूल इज ओनली फॉर आइडियल डेल्टा एच जीरो लिखा हुआ आइडिया सर, नॉन रियल गैसिंग फॉर्मूला पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फॉर्मूला जानबूझ के लिख रहा हूं, आपको याद नहीं रखना है, बस नॉलेज के लिए। एन सी वी डी टी माइनस एन स्क्वायर वन बाई डी टू माइनस वन बाई डी, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये क्या है भाई, वंडरवाल रियल गैस कांस्टेंट। तो डेल्टा एच नॉन जीरो, डेल्टा एच जीरो आइसोथर्मल पर है, ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस। अब लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा, आपको ये सब रिजल्ट याद रखना है, ये याद नहीं रखना, ये नॉलेज के लिए है, दिस इज रियल गैस, डेल्टा एच नॉट जीरो फॉर आइसोथर्मल, फॉर रियल गैस, उसको इसलिए याद रखिए अच्छे से और से समझिए। डेल्टा एच हो
और डेल्टा यू, मैं कंक्लूजन आप लिख देता हूं, इज जीरो फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? अरीशा वगैरह, दमन दमन, जितन पूरी, सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए। तो एक स्टूडेंट है, तुम समझ क्या पूछ रहा हो भाई? डेल्टा एच का एक्सप्रेशन ये वाला कांस्टेंट प्रेशर पर ही लाइक है, बट यहाँ कोई, हाँ चलो वही मैं बता रहा हूँ, तुम बिहारी हो। चलो एक क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, और से सुनिए अच्छे से, ये मैं अभी बताने ही वाला था, और से सुनिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए कि सर आइसोथर्मल है, आपने फॉर्मूला डेल्टा एच का क्यों इस्तेमाल किया, और से सुनिए अच्छे से, और ये लिख लीजिएगा एनसीपी, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़े, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ अच्छे से समझिए, और से सुनिए, कोई क्या ये कब, ये किसके लिए वैलिड है, तो और से सुनो, फॉर ऑल सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, और से सुनो, कांस्टेंट प्रेशर पर जब रहे, तो ये आइडियल के लिए भी है, रियल के लिए भी है, सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड का कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट ना रहे तो डेल्टा एच एन सी पी डी टी ये सिर्फ आइडियल के लिए होगा, आइडियल के लिए हमेशा एनसीपीडीटी, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, इसीलिए आइसोथर्मल में डीटी जीरो तो डेल्टा एच जीरो। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि कांस्टेंट प्रेशर मेंशन नहीं है, आइसोथर्मल है, फिर आपने क्यों लिया इस, तो याद रखिए जो कुक लिखता है एनसीपीडीटी फॉर ऑल सब्सटेंस, कांस्टेंट प्रेशर जब लिखे तो तमाम के लिए, लेकिन अगर प्रेशर नहीं है, मान लिया आइसोथर्मल है, तो बताओ आइसोथर्मल है तो ये डेल्टा एच का फॉर्मूला लगेगा सिर्फ किसके लिए, आइडियल, तो जीरो नहीं हो रहा है। बोलिए आप समझ में आया जिन्होंने पूछा था, और आप सब लोग लिख भी ले, अरीशा उमामा वगैरह सब लिख ले जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, डेल्टा एच एन सी पी डी टी, हाँ ये समझिए अच्छे से, फॉर ऑल सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब आइए सारे लोग, उसी तरह याद रखिए डेल्टा एन सी वी डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम है, सारे स्टूडेंट जवाब दो, ये फॉर्मूला किसके लिए, ओनली आइडियल कि सबके लिए है, बताओ 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 बताओ, डेल्टा यू एन सी वी डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके लिए है, ओनली आइडियल की तमाम के लिए, बोलो 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 क्या नाम है, हाँ सबके लिए, हाँ जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहे तो सबके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम रहे तो सबके लिए, हाँ फॉर ऑल, हाँ ठीक। अब मैं बता रहा हूं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा यू एन सी वी डी टी, अब बताओ ये किसके लिए है, अब बताओ ये किसके लिए है, वाह वाह वाह, फॉर आइडियल, इसीलिए एनसीईआरटी में
स्टूडेंट को ये लाइन नहीं समझ में आता कि रियल के लिए क्यों नहीं जीरो होता है, क्यों रियल के लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसो आए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है जैसे अभी ले लिया गया आइसोथर्मल, देखिए अब आइसोथर्मल है तो ये वाला ये तो फॉर्मूला यही लगेगा, तो अब dT जीरो, डेल्टा S जीरो, डेल्टा U जीरो, अच्छे से आ गया सबको, अच्छे से आ गया। इसलिए याद रखिए डेल्टा H और डेल्टा U जीरो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल, बाकी किसी के लिए आइसोथर्मल में ये जीरो नहीं है। बस थर्मो में यही पढ़ लिया तो आपसे क्वेश्चन, आप इसको और से सुनो। जल्दी बनाइए, ये भी लिख लीजिए ग्राफ का मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, देखिए तरह साइक्लिक प्रोसेस है, बनाइए। हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है, हीट एब्जॉर्ब, देखिए इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। पहली बात ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस जानते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, तो याद रखिए डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा जी, डेल्टा एस, इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इज जीरो। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हीट निकालना है तो फलॉट से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस टी, तो डेल्टा यू जीरो है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस टी,
वर्क डन क्या होता है? आपने पीवी डायग्राम में पढ़ा होगा वर्क डन क्या होता है। ग्राफ में एरिया, एरिया अंडर द कर्व, याद रखिए एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। वर्क डन पहले तो एरिया ऑफ सर्कल ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, ये डायमीटर है यहां से यहां तक 20 है, उसका आधा ये भी 20, तो याद रखिए कैसे लेंगे। अगर वैल्यू अलग अलग होता तो अलग अलग लेते जो मुझसे पढ़े हैं, चूंकि यहाँ 20 है तो ऐसे करेंगे 20/2 × 20/2। अगर अलग अलग होता तो हम इसी तरह स्टूडेंट को लगता है क्या, हाँ 10 का होल स्क्वायर नहीं, अलग अलग रहेगा तो हम इसी तरह अलग अलग आर लेंगे, समझा। तो पाई आर का अलग का 10 का होल स्क्वायर पाई, समझ बात आ रही है कि नहीं। अरे बोलिए ना आप बताइए, एंटी क्लॉक वाइज। हाँ तो ये आपका आंसर जो हुआ तो ये आपका पहला ऑप्शन होगा, सबको समझ में आया, याद रखिए वो सब याद रखिए। एरिया अगर सर्किट एरिया अंडर द, जैसे एक मिसाल लीजिए, एक मिनट ये एक मिनट रुकिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर P1 P2 देता और यहाँ पर मैं V1 V2 देता, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, तो बताओ अब यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होगा, पाई P2 - P1/2 और V2 - V1/2, ये ऑप्शन सही होता। और कुछ ऑप्शन में क्या लिखा रहता, पाई P2 - P1/2 का पूछ रहा है क्लिप्स का एरिया, रे गुंडा कहीं छोड़ो, P2 - V1/2 अगर अगर अलग अलग रेडियस हो तो इसको भी लो, सेम है इसलिए 10² आ गया, अलग अलग होता तो हम इसी तरह लेते। चलिए आया सबको समझ में, बताइए लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2CO गैस प्लस O2 गैस है आपके पास, 2CO2 गैस, डेल्टा एच -560 kJ, और रियल गैस रिएक्शन is carried out in 10 liter of rigid vessel, 10 liter of rigid vessel at 500 Kelvin. The initial pressure is 70 bar. And after
reaction, it becomes 40 bar, then delta U कह रहा है निकालने के लिए. ए ऑप्शन 500 किलो जूल माइनस 500 किलो जूल माइनस 530 किलो जूल डी 530 किलो जूल. आराम से सोच के बनाइए. हाँ आंसर बताइए कितना आंसर आया. तो देखो जब डेल्टा यू कहा और डेल्टा एच है तो सुनो इधर, एच इज इक्वल टू यू प्लस, गैस तो है नहीं, रिजिड कंटेनर में है, गैस रियल गैस है. तो जब रियल गैस रहे तो आप तुम पहले जो तो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको लो. आप देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू सारे लोग देखो प्लस डेल्टा पी वी. आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू पी डेल्टा वी पी डेल्टा पी डेल्टा एच ये शुड बी जीरो. क्यों, रिजिड में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. डेल्टा यू प्लस भाई मैं वही कह रहा हूं, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखना नहीं है, आपने तो हमेशा पर आप पी डेल्टा वी आता है, लेकिन ये भी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. तो आदमी वही ट्विस्ट करके क्वेश्चन से देगा. वो जो पी डेल्टा भी पढ़ते हैं डेल्टा पी डेल्टा भी, वो कांस्टेंट प्रेशर पर है. तो ये कांस्टेंट प्रेशर ये जीरो, तो यही बचेगा कि नहीं. यहां पर लिख दिया रिजिड क्लोज कंटेनर, दैट द रीजन ये कुछ है ही नहीं. अब क्या करना, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी पी डेल्टा. अब डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, माइनस 560 माइनस वॉल्यूम दिया हुआ था क्वेश्चंस में. हाँ 10 लीटर आपको दिया हुआ है और 40 माइनस 70 बार. क्लियर है, ये आपको दिया हुआ है और आपको याद होगा. गौर से सुनिए अच्छे से माइनस, अब गौर से सुने एक मिनट और, इधर सुनिए अच्छे से, इधर इधर इधर. वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यहां पर यूनिट होता है लीटर एटीएम और 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है. वही हाल यहाँ पर है लीटर बार, और आपको मालूम है लीटर एटीएम लगभग लगभग सेम होता है.
अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 0.1 आएगा, तो -560 300 इंटू 0.1। अगेन ध्यान दो, बार को किलो जूल में कन्वर्ट किया गया। मैं यहां लिख देता हूं 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है, और 1 बार लीटर या 1 लीटर बार भी लगभग लगभग यही होगा। तो किलो जूल में करोगे तो भाई अब यहां पर प्लस हो जाएगा, -560 +30 -530 किलो जूल। बोलो आया सबको समझ में? आया कि नहीं जल्दी बोलिए। मैं वही कह रहा था, अब ये फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब इसको चेंज करके आपको कुछ भी दे सकता है। हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। सर तो ये कैसे आ गया? तो वही कहेगा रिजिड क्लोज कंटेनर, इसको इसमें लाइए फिर कन्वर्ट कीजिए, ये जीरो हो गया, वैल्यू पुट कीजिए। बताइए सबको समझ में आ गया? वरुण वरुण आया, आप सुनो एक क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का जो मैं देखा नहीं। अच्छा पिछला क्वेश्चन की तरफ आओ, पिछला क्वेश्चन तो ग्राफ बताया था, ग्राफ में क्लॉकवाइज लिया है मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो पिछले क्वेश्चन में ये क्लॉकवाइज लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो तुम इसको क्लॉकवाइज बना लो, क्योंकि आंसर उसके मुताबिक इसको चेंज कर लो, क्लॉकवाइज बनाओ, क्लॉकवाइज बना लिए, डायरेक्शन चेंज कर दो, क्लॉकवाइज बनाओ। अच्छा याद रखो ये ट्रिक्स, याद रखो फॉर क्लॉक एक फॉर क्लॉकवाइज तो वर्क डन आपको नेगेटिव में लेना है, और फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव में लेना है। तो चूंकि यहां वर्क डन नेगेटिव में आया और Q माइनस W था, तो माइनस W क्या हो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक स्टूडेंट ने साइन कन्वेंशन पूछा था तो ये लिख लो, हाँ एंटी था तो आप क्लॉक वाइज बना लो ना, ये क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज है ना, क्लॉक वाइज बना लो, अगर एंटी था तो क्लॉक वाइज बना लो। और ये याद रखो इसीलिए यहाँ बार्गेडन पॉजिटिव में आया, एक स्टूडेंट है इन्होंने पूछा था, मैं मैसेज बाद में देखा। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। वाखरु तवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम इस पर और थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आप इस फ्री एनर्जी एंट्रोपी को पढ़ के आएंगे। ओके ओके अल्लाह हाफिज। चलिए नेक्स्ट क्लास मंडे को आप होगी।